जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News TV। मैं हूँ आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सात लाख के गहने तथा नकदी 30,000 रुपए उड़ाए, बेकाबू स्कॉर्पियो ने युवक को रौंद दिया। क्या बेटिंग के बड़े रैकेट पर हुआ छापा, आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 7 लाख के गहने तथा नकदी 30,000 रुपए उड़ाए, नागपुर में परिवार के साथ मामा के घर गए व्यक्ति के घर से 7 लाख गहने चुरा लिए गए। SB सोसाइटी निवासी हुजवाना खान परिसर के साथ भंडारा गए थे, इसी दौरान चोरों ने ताला तोड़कर उनके घर में प्रवेश किया, बेडरूम की अलमारी से 7 लाख तथा 30,000 रुपए उड़ा लिए गए। बढ़ते अगली खबर की ओर, बेकाबू स्कॉर्पियो ने युवक को रौंद दिया। गया नागपुर के जरीफटका के खोबरागढ़े चौक पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने जन्मदिन समारंभ से लौट रहे दोपहिया सवार 4 युवकों को टक्कर से मारकर दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। इस दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मृतक अमन निजादू शेख तथा जमीन अरमान कुरैशी, अतीफ पठान और इनायत पठान है, सभी आदर्श नगर ताजबाग के रहने वाले हैं। अमन के रिश्तेदार जरीफटका की नूरी मस्जिद के पास रहते हैं। रविवार को रिश्तेदार के घर जन्मदिन समारंभ में गए थे। अमन समारंभ से शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे, वहां से सोमवार तड़के जख्मी रिश्तेदार के साथ लौट रहे थे। बढ़ते अगली खबर की ओर, बैटिंग के बड़े रैकेट पर हुआ छापा। नागपुर में पूर्व नागपुर के डॉक्टर आम्बेडकर चौक पर क्रिकेट सट्टेबाजी के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट से जुड़े 3 सदस्यों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। इस रैकेट के मुख्यादी कुख्यात चिंटू के बच जाने की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। गिरफ्तार आरोपी सिद्धार्थ सुरेंद्र जैन, बाबूराव गली, इतवारी सुनील, रत्मादस ओसारे जीवनदार्दिन सोसाइटी के रहने वाले हैं। इन्हीं के साथ वर्धमान नगर तथा परेशी साधारी पार्टी के रहने वाले हैं। उनका साथी विशाल त्रिमाने कॉन्वेंट कॉलोनी फरार है। आरोपी काफी समय से कुख्यात सिद्धार्थ चैन चिट्टू के क्रिकेट सट्टे में जुड़े हुए थे। वक्त हो चाहे दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News TV पर। नमस्कार। ये है MNS News Network और आप देख रहे हैं।